हम देखने गए थे पुणे की दही हंडी, जहाँ पे हम चंद्रकांत जी से भी मिले। सभी जगह पे लाइटिंग तो बहुत जबरदस्त की गई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तभी हमको उनकी गाड़ी दिखी जिसमें वो थे। फिर हम आगे गए और लाइटिंग सब देखने लगे। सब लोग जोर जोर से गाने लगा के फुल मज़े में नाच रहे थे। सभी जगह पे हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। फॉग छाया हुआ था और फॉग की वजह से लाइट्स और ज़्यादा निखर के आ रही थी। सामने के मेन स्टेज पर वारसे के कुछ पॉलिटिकल फिगर्स थे, जैसे कि तुषार काले जी और बाकी सब लोग भी, जो खुद भी ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ के प्रोग्राम का साउंड भी बहुत अच्छा था, ये आप सुन सकते हो। तो थोड़ा प्रोग्राम सुनने के बाद हम चल पड़े दूसरे जगह पर, जहाँ पे चंद्रकांत जी खुद बेसिकली उन्होंने सभी गोविंदाओं को प्रोत्साहित किया और सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है वो उन्होंने बताया। उसके बाद उनका आ गया जाने का टाइम, तो वो चलने लगे और हम यहाँ पे देखने आ गए मेन दही हंडी। हम बढ़ने लगे अपने थर्ड पॉइंट की ओर और यहाँ पे जाने के लिए जो रोड्स थे वो पूरी तरह से जाम हो चुके थे। जो रोड्स बाकी वक्त पूरा खाली रहते हैं वहाँ पे अभी हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। राइट लेफ्ट में पूरी तरह से रोड जाम हो चुके थे। इस पॉइंट पे एक लिटिल मास्टर आया था डांस करने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे देखा। ये यहाँ का मेन चौक है और यहाँ पे आप देख सकते हो फुल ट्रैफिक जाम हो चुका है। इस सब ट्रैफिक से गुजरते हुए हम चले गए अपने थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे डी मार्ट भी था।
आणि ती मुलगी आहे तिच्या एक सर्वांनी कलंका टाळ्याच्या घटनामध्ये तिचं स्वागत करायचं आणि त्यांना त्यांना जरा सर्वांनी द्यायला 5 मिनिटं झालं थोडंसं साहित्य जरा सर्व गोपाळ भक्तांनी बाजू कि आपने देख लिया बहुत एक्साइटिंग तरीके से ये उत्सव पुणे में मनाया गया। होपफुली आपको ये पसंद आएगा, तो जरूर से डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग अपने गुजरात के शुरू होंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।